हेलो बच्चों, वेलकम टू डून इंडिया डिफेंस एकेडमी देहरादून। माय नेम इज नवीन नौटियाल और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक जबरदस्त ट्रिक जो कि बेस्ड होगी डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट है क्या? कभी कभी आपको एपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देती होगी। जैसे आपने कभी रेलवे स्टेशन पे नोटिस किया होगा कि जो ट्रेन रेलवे स्टेशन को छोड़ के जा रही होती है उसका हॉर्न आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लग जाता है, और कभी कभी जो ट्रेन रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही होती है उसका हॉर्न आपको तेजी के साथ सुनाई देने लग जाता है। यही कारण है डॉपलर इफेक्ट का कि आपको जो ट्रेन की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो नहीं सुनाई देगी, आपको जो ट्रेन की जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देगी। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सपोज करो आपकी तरफ कोई ट्रेन आ रही है, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या आप रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। इन्हीं चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी के लिए हम आपके बीच में लाएंगे एक जबरदस्त ट्रिक, और आप इसको नोट करिए। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख देना है। यहां पे जो एफ ए का मतलब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि आपको गिवन होगी, अगर गिवन भी नहीं होगी तो आपको याद रखना 332 मीटर पर सेकेंड। यहां पे वीओ का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीएस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और यहां पे जो एफ एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की है। अब आपसे केस कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले मैं केस की बात करूं कि सोचिए आपकी तरफ कोई ट्रेन आ रही है और आप भी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी होगी, या फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, देखिए आपको क्या करना है। देखो ट्रेन आपकी तरफ आ रही है इसका मतलब आपको ज्यादा सुनाई देगी, और आप भी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब और ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि आप सोर्स के नजदीक जा रहे हैं। इसका मतलब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। इस फॉर्मूले में हम प्लस माइनस कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ये वैल्यू हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो मैक्सिमम मिलने का मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम प्लस करेंगे तभी ये वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं नीचे की वैल्यू को प्लस करता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन हमें पता है हम भी सोर्स की तरफ जा रहे हैं, सोर्स भी हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम केस लें, सपोज आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ट्रेन दूर जा रही है, ट्रेन आपसे दूर जा रही है और आप स्टेशन पे स्टेशन से भी दूर जा रहे हैं, यानी कि आप भी ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब आपको धीरे धीरे जो ट्रेन की जो हॉर्न है धीरे धीरे कम सुनाई देगा। कम सुनाई देने का मतलब क्या है, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, यहां पे ध्यान देना है कि हमें ये वैल्यू क्या करनी है, मिनिमम निकालनी। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू। तो ये कब आएगी मिनिमम, जब इससे क्या होगा, ये माइनस होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये वाली वैल्यू अगर मिनिमम करनी है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस तरीके से आपके सामने एग्जामिनर कई तरीके की प्रॉब्लम बना सकता है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद है कि किस तरीके से प्लस माइनस पुट करना है तो आप प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके बीच में ट्रिक लाते रहेंगे। आपको अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।